रेड मुर्गा ऑफ द डे। हाँ हेलो, आप लोग वही हो ना जो लोग गंजे सिर पे बाल उगाते हो? हाँ। आप ही डॉक्टर हैं? आप ही गंजे सिर पे बाल उगाती हैं क्या? टेक्नीशियन है, हम कंसल्ट करते हैं। ठीक है, मतलब टेक्नीशियन बोले तो क्या छेनी हथौड़ी से थोड़ी बाल उगाते होंगे? अब बात जैसे बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा बात तरीका से बोलेंगे तो हम तरीका से बोल देंगे। हाँ तो मैडम, हम तरीका से पूछते हैं, ये जो आपके एडवर्टाइज, यहाँ पर पहले आपको आकर एक तो कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसल्टेशन की तो कोई बात ही नहीं, हम जो सुन बोल रहे हैं वो पहले चुपचाप सुनिए। हाँ बोलिए। ये जो विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट आपका, इसमें जिस बंदे का फोटो आपने दिया है, ये तो मेरे चिंटू के डैडी का फोटो है, ये बहुत दिनों से लापता है। लापता है तो मालिक को फोन कीजिए, देखिए और मोबाइल नंबर है उसको फोन कीजिए। ठीक है, नहीं मतलब ये गंजे आदमी जो है, ये जो बात कर लीजिए, उतना बोल नहीं सकेंगे, उससे बात कर लीजिए। नहीं मतलब किसी का पति खो गया है और आप जो बोल नहीं सकते, कर लीजिए। हमको क्यों बोल रहा है, हम स्टाफ हैं, मालिक नहीं है। ओके, अरे तो मालिक से क्या लेना देना, इसको तो आप लोग भी देखे होंगे। हम देखे तो क्या करेंगे, चिंटू को पापा की चिंटू को मामा है, हमको क्या दरकार है। जो एड दिए उसको बोलिए। ओके, नहीं एड जो दिए हैं मतलब ये तो हद हो गई। हाँ मैडम, आप तो फोन पटक दिए। आप जैसे तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है आप हमको बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप मेरे पति के साथ नहीं भागी, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम अगर कुछ होता तो आपको हम बोल देता, हाँ यही बात है, हम यहाँ पर का स्टाफ है, हम यहाँ पर का मालिक नहीं है, इंचार्ज। वो तो हम समझते हैं, लेकिन देखिए आप क्यों बोल रहे हैं, वो क्या है ना, पति जिसका घर से भाग गया वो तो गुस्सा ही होगा ना। ठीक है, आप ऐसे करके क्यों बोल रहे तब? हाँ तो मैडम जी, मेरा आवाज ही ऐसा, तो हम क्या करें बताइए। आवाज ऐसे बोल के हर जगह नहीं चलेगा ना। नहीं हो सकता मेरी आवाज की वजह से मेरा पति भाग गया हो। ओ आप ही जाने, भाग गया कि है कि कहाँ गया? नहीं देखिए, वो क्या है ना, उनको एक दिन इंटरेस्ट आपका कोई बात करने का, हमको इच्छा नहीं है। वो क्या है ना, गंजे हो गए तो एक दिन हमने बोल दिया था उनको, इसलिए भाग गए। मैडम जी एक बार मेरे पति से बात कर लीजिए, वो आ गए वापस। बहुत दिन से हमसे कोई बात नहीं। मैडम जी एक बार बात करिए, माफी मांग रहे हाथ जोड़ के। मैडम जी एक बार बात कर लीजिए। मैडम जी आप जब तक हम माफ नहीं करेंगे, हम फोन करते रहेंगे आपको। क्या बात करेंगे आपसे? अभी थोड़ी देर पहले कॉलिंग बेल बजा और मेरे पति घर वापस आ गए। मैडम जी आपको बहुत तो अच्छा है ना। मैडम जी एक बार मेरे पति से भी बात कर लीजिए, एक बार पति से बात कर लीजिए। हाँ जी सुनिए ना, आपके लिए कितना बार इनको। हेलो मैडम जी। हाँ बोलिए। हम वापस आ गए लेकिन मेरा सर का गंजापन अभी भी है। अब आप लोग यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, पहले बोलिए नौटंकी लग रहा है, नौटंकी का जगह लग रहा है आप लोग का? नहीं मैडम जी, सच्ची में इनका गंजा सिर्फ भाड़ में जाए, वो गंजे रहे जिंदगी भर लेकिन आ गए हैं वो तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, माफ कर दीजिएगा। इसे कहते हैं नौटंकी साला। वो कह रहा है ये हमारा टाइम पास मुर्गा था। हैप्पी लिसनिंग। सुबह सुबह आपको भी मुर्गा बनाना हो तो 6-6-9-3-5-9-3-5 है ना।